हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड ऑल। सो बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक पे, और हमारा आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, शायद हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, और वो टॉपिक है चार्ल्स लॉ। ना चार्ल्स लॉ हमको 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स में पढ़ाया जाता है। एक चैप्टर है जिसको कहा जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर में तीन यूनिट्स हैं। पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट्स के बारे में, हम पढ़ते हैं गैशियस स्टेट के बारे में, हम पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट्स के बारे में। ना गैशियस स्टेट के बारे में जब आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर जब आप गैस लॉस के बारे में पढ़ते हो, बॉयल्स लॉ, तो उसके बाद जो अगला टॉपिक सिखाया जाता है, दैट समथिंग कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। नाउ चार्ल्स लॉ जो 11th में सिखाया जाता है, या जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, दैट्स क्वाइट सिंपल। वहाँ हमसे ये कह दिया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर प्रेजेंट एट दैट टाइम। मतलब मान लो मेरे पास अगर एक कंटेनर है, और अगर मेरे पास उस कंटेनर के अंदर एक गैस है, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हैं, यानी मैंने n मोल्स ऑफ गैस लिया है, n मोल्स, आई एम नॉट गोना चेंज नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दूंगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा तो अपने आप वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रखना है, यानी अगर अंदर 5 मोल्स है तो 5 मोल फिक्स रखना है। तो वो वॉल्यूम कितना होगा, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मोल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कितना टेम्परेचर है। क्योंकि सर हमको पता है, आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, गैसेस हैव गॉट अ प्रॉपर्टी की दे ट्राई टू एक्सपांड, एंड सिंस दे ट्राई टू एक्सपांड उनका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहां तक हमको जो पढ़ाया जाता है, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, हम शायद हम उससे आगे निकल जाते हैं। नाउ चार्ल्स लॉ इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वहां से साइंस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्केल निकल के आता है, एक रेफरेंस स्केल जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में जब हम बात करते हैं, हम यूजुअली डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं, बट एक्चुअली साइंटिफिक कम्युनिटी जो होती है वो टेम्परेचर का एक न्यू स्केल है जिसको कहा जाता है केल्विन, और उसको शायद साइंटिफिक स्केल भी कहा जाता है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये केल्विन स्केल आता कहाँ से है। नाउ हाउ यू डिराइव दैट केल्विन स्केल, वो ग्राफिकली कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो चार्ल्स लॉ से एक कदम आगे जाते हैं, जो हम लोगों ने हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है उसे एक कदम आगे जाते हैं और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सपोज करो मेरे पास n मोल्स ऑफ गैस है, लेट मी रब दिस आउट, आई हैव गॉट n मोल्स ऑफ गैस, और ये जो गैस है मेरे पास, लेट अस से वो कोई ए टाइप का गैस है, आई डोंट नो कौन सी टाइप का गैस है, लेट अस से वो ए टाइप का गैस है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस गैस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाता हूँ। सो अगर मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाऊंगा तो उस समय इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा। लेट मी से 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वॉल्यूम होगा, मैं उसको वी नॉट लिखता हूँ या वी जीरो लिखता हूँ, एंड दिस वी जीरो इज एट टेम्परेचर लेट अस से टी जीरो, तो मैं उसको टी जीरो पे लिख के रखता हूँ, या मैं कैपिटल टी लिखूँ या स्मॉल टी लिखूँ, डजंट मैटर, कुछ बुक्स में स्मॉल टी लिखते हैं, मैं कैपिटल टी का यूज कर रहा हूँ, सिंस हम लोग टेम्परेचर को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज कर देता हूँ, मतलब मैंने जब 0 डिग्री सेल्सियस रखा उस समय आपका वॉल्यूम था वी जीरो, अब अगर मैं इसको 1 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, मेरा टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री से बढ़ा देता हूँ, मुझे बताओ वॉल्यूम कितना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, भाई 1 डिग्री से बढ़ाना है, अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो भी वॉल्यूम होगा, अब मुझे नहीं पता वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा कि थोड़ा सा बढ़ेगा कि बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ेगा, पर जो भी वॉल्यूम होगा दैट विल बी वी जीरो, यानी ओरिजिनल जो वॉल्यूम था उसमें हल्का सा वॉल्यूम का एडिशन हो जाएगा, आई डोंट नो कितना ऐड होगा, मैं उसको एक्स लिख के छोड़ देता हूं। हमको ये पता करना है कि ये एक्स कितना होगा। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरे पास एक गैस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और उसका इतना वॉल्यूम है, सिंस उसका वॉल्यूम 0 डिग्री पे इतना है, मैंने उसको 1 डिग्री से हीट किया, जब मैंने उसको 1 डिग्री से हीट किया, यानी मैंने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया, तो ऑब्वियसली वो गैस एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। अगर वो एक्सपांड करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। तो सर बड़ा आसान है कि फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो वी जीरो, यानी ओरिजिनली जितना 0 डिग्री पे था, प्लस जो थोड़ा सा बड़ा होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि वो थोड़ा सा जो बड़ा है वो कितना है, एंड दैट्स उसी को चार्ल्स लॉ कहा जाता है। तो सर चार्ल्स लॉ हमसे ये कहता है कि आप किसी भी गैस का, आप अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करते हो या 1 डिग्री से डिक्रीज करते हो, तो उस गैस के वॉल्यूम में जो फर्क आता है, इट विल बी इक्वल टू 1/273.15 पार्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं, डिफिकल्ट नहीं है सर, बहुत इजी है, समझने की कोशिश करना। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास कुछ वॉल्यूम है, 0 डिग्री पे मेरे पास कुछ वॉल्यूम है, एक काम करो, उस वॉल्यूम को 273 हिस्सों में डिवाइड करो, यानी उसको छोटा 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 हिस्सा लो, 273 हिस्सों में उसको डिवाइड करो, और 273 हिस्सों में जब आप उसको डिवाइड करोगे, 273.15, ओके, मैं 273 लेता हूँ अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए,
0.5 को आप मिस नहीं कर सकते साइंटिफिकली, बट मैं इसको फिलहाल रफली ले रहा हूं। तो आप अगर 273 हिस्से में डिवाइड करोगे तो जो लास्ट वाला हिस्सा होगा आप उसको हमेशा कहोगे 1/273 पार्ट। आई होप समझ में आया। जैसे अगर मेरे पास एक रॉड है, एक बड़ा सा स्केल है, और मैं उस स्केल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, तो जो मेरे पास एक हिस्सा होगा, कोई भी एक हिस्सा होगा, मैं उसको कहूंगा वो उसका 1/3 पार्ट। अच्छा, अगर मैं उसको एक और पार्ट में डिवाइड कर दूं, अब मैंने उसको 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब कोई भी एक हिस्सा चुरा लो तो वो उसका कितना हो जाएगा, 1/4 पार्ट हो जाएगा। अब सोचो उसी तरह अगर मैंने उस स्केल को 273 हिस्सों में डिवाइड किया होता तो एक जो पार्ट निकलेगा वो 1/273 पार्ट होगा। अब समझा। सिमिलर वे में वहां मैंने लेंथ को डिवाइड किया, यहां मैं वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा। मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना भी वॉल्यूम है मैं उस वॉल्यूम को 273 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, और वो जो 273 हिस्से का जितना भी वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम हर डिग्री से इंक्रीज होगा या कम होगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे या घटाओगे। हम फिलहाल सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात करेंगे, तो डिक्रीज करने के लिए उसका अपोजिट हो जाएगा। तो अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो भी वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, आई डोंट नो वो बहुत बढ़ेगा कि कम बढ़ेगा, पर वो कितना बढ़ेगा, अब मेरे पास उसका आंसर है, जितना उसके V0 का 273rd हिस्सा होगा, 273rd हिस्सा, उतना ही वो ऊपर से इंक्रीमेंट दिखाएगा। तो सर अब अगर मैं आपसे कहूं, बताओ, इसको रब करते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं बताओ टेम्परेचर को मैं रखता हूं 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना होगा, V0 होगा। अच्छा, 1 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना होगा, V0 प्लस आपने V0 को कितने हिस्से से डिवाइड कर दिया, 273.15 हिस्से से डिवाइड किया, उतना वॉल्यूम अब उसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, 2 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, सर 2 डिग्री सेल्सियस पे इट विल बी V0 प्लस V0 को आपने कितने हिस्से से डिवाइड किया, 273.15 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि सर जब भी 1 डिग्री का इंक्रीमेंट करोगे तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला, दिस इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट्स गोना इंक्रीज फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर। बट नाउ यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेल्सियस, तो राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं 3 डिग्री सेल्सियस का राइज है तो आप कैसे लिखोगे, वॉट विल बी द वॉल्यूम एट 3 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली V0 प्लस कितना हो जाएगा, V0 अपॉन 273.15 × 3। सर मेरा क्वेश्चन अब है, अगर मेरे पास मैंने टेम्परेचर को टी डिग्री से इंक्रीज कर दिया, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस, द वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस विल बी V0 प्लस V0 डिवाइडेड बाय 273.15 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, दैट्स उस टेम्परेचर पे आपने कितने से इंक्रीमेंट किया है, यानी हाउ मच टाइम्स हुए। अगर आप 15 डिग्री पे निकालना चाहते हो तो 0 डिग्री पे कितनी वॉल्यूम थी वो प्लस 15 डिग्री से आपने इंक्रीमेंट किया, तो बताओ 15 डिग्री से इंक्रीमेंट करने में कितनी वॉल्यूम में चेंज आया होगा। तो हर डिग्री में कितने का चेंज आता है, 1/273.15 × 15। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो मैं उस फॉर्मूले को रखता हूं और मैं इस चीज को रब करता हूं क्योंकि मुझे इससे आगे एक कंक्लूजन पे जाना है, ठीक है, मैं इसको भी रब करता हूं। तो मैं यूं कह सकता हूं कि किसी भी गैस का अगर आपको वॉल्यूम पता करना है टी डिग्री सेल्सियस, फॉर्मूला बड़ा आसान है, V0 प्लस V0 को 273 हिस्सों में डिवाइड करो 0.15 मल्टीप्लाइड बाय कितनी डिग्री से आपने उसको इंक्रीमेंट किया है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर टी, एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट्स यू आर गोना यूज। नाउ अब समझना सर, मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास एक गैस है जो यहां पर है इस तरीके से, और उसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है 0 डिग्री पे, तो मैं इसको लिखूंगा इतने वॉल्यूम को V0, ठीक है, V0, यानी वो 0 डिग्री पे है, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है मैं इसको 273 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, जब मैं उसको 273 हिस्सों में डिवाइड करूंगा कहीं तो मुझे एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा, दैट विल बी 273rd पार्ट, ओके, 1/273rd पार्ट। मेरा क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताओ वो कौन सा टेम्परेचर होगा जब मेरा वॉल्यूम V0 का डबल हो जाएगा, यानी अगर अभी इतना है तो इसका डबल हो जाना चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेटली इतना हो जाना चाहिए, ये वॉल्यूम शुड बी 2 टाइम्स V0,
यानी वी जीरो पे जितनी वॉल्यूम थी, आप इसको हीट करो हीट करो हीट करो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री, आप हीट करते जाओ, वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहां जाने के बाद मेरा जो वॉल्यूम जीरो पे कितना था, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम था एग्जैक्टली उसका डबल हो जाएगा। तो सर इसको ड्राइव करना बहुत आसान है, कैसे करोगे आप मुझे बताओ, आपका फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है VT will be equal to V0 plus, agree, this will be upon V0 upon 273.15 multiplied by temperature। सर आपको नहीं लगता अगर मैं इस टेम्परेचर की वैल्यू 273.15 रख दूं तो ये 273.15 कट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, V0 बचेगा, यहां पर भी V0 बचेगा, अगर ये दोनों V0 बचेंगे तो वो ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2 times V0। नाउ दिस इज समथिंग आई एम गिविंग यू डायरेक्टली, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, VT की जगह 2 times V0 रखो, यू सॉल्व इट, ओपन द ब्रैकेट, सॉल्व इट, आपको T का वैल्यू मिल जाएगा, बट मैं डायरेक्टली पुट करता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला विल बी V0 प्लस V0 अपॉन 273.15 इनटू 273.15। आपको नहीं लगता 273 कट हो जाएगा तो लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, V0 प्लस V0 एंड दैट कम्स आउट टू बी 2 times V0। तो वॉल्यूम एट दैट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 2 times V0 और ये कब पॉसिबल है, 273.15 डिग्री सेल्सियस पे ये पॉसिबल है। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। नाउ द सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इज, मुझे बताओ अगर हीट करने पे वॉल्यूम बढ़ता है तो कूल करने पे वॉल्यूम कम हुआ होगा, एम आई करेक्ट? तो आप एक काम करो, इस गैस को कूल करना स्टार्ट करो, जब आप इसको कूल करोगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, भाई कितने से डिक्रीज होगा, फिर से वही फंडा है, 270 आपका V0 जितना था उसका 1/273 पार्ट जो है, जो भी उसका 273 पार्ट है, उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, उतने से वो कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ वो कौन सा टेम्परेचर होगा, भाई कोई तो एक टेम्परेचर होगा ना जहां पे वॉल्यूम विल बिकम जीरो, यानी मेरा पिस्टन नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा और एकदम आके चिपक जाएगा, मेरा पिस्टन यहां टच हो जाएगा एंड वॉल्यूम शुड बिकम जीरो। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, मुझे ऐसा कोई टेम्परेचर बताओ जहां पे VT का वैल्यू जीरो निकल के आए। तो सर ठीक है, वापस से फॉर्मूला लेते हैं, मेरा फॉर्मूला कहता है VT विल बी इक्वल टू V0 प्लस ब्रैकेट V0 अपॉन 273.15 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। सर आपको नहीं लगता अगर इस टेम्परेचर का वैल्यू -273.15 रखा जाए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये -V0 हो जाएगा, -V0 विल बी जीरो, करके देखते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273.15 मल्टीप्लाइड बाय -273.15 ब्रैकेट क्लोज, ये और ये कैंसिल होगा, लास्ट में बचेगा V0, माइनस है तो यहां चला जाएगा, दिस विल बी -V0 एंड द आंसर फाइनली कम्स आउट टू बी 0 एंड VT इज इक्वल टू 0 जो हमको वहां पे चाहिए था। ये दो कंक्लूजन्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वेट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ है। हाँ सर बहुत बड़ी गड़बड़ है। सर सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है कि किसी गैस का वॉल्यूम जीरो होना सर ये मैजिक है, आप नहीं कर सकते। किसी गैस को आप, ये गैस है जीरो डिग्री पे, आपने कूल किया और जीरो हो गया, मतलब गैस गायब हो गया। गैस गायब होना मतलब अब वहां मास ही नहीं है, एटम्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली ये हाइपोथेटिकल है, ये होना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा हो जाता तो मैं कहूंगा मासी देयर्स नथिंग, वो एटम, वो जो पिस्टन है वो अपने बॉटम के साथ आके चिपक गया है। ये सभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं ये मान के चलूं कि मेरे मॉलिक्यूल्स का साइज इतना छोटा है कि पिस्टन और इसके बीच में के जो छोटा सा भी गैप हुआ होगा वो वहां पे आके सिमट गए होंगे। एंड दिस इज समवेयर यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन, हमने आइडियल गैस के पॉस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा था वहां पे कि जो भी आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है कंटेनर की वॉल्यूम के मुकाबले बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है। अब वो अलग बात है कि आने वाले टाइम में हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमने सोचा था वो गलत था, बट सर मुद्दा मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि वॉल्यूम जीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, आइडियली होगी कि नहीं होगी, प्रैक्टिकली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेरा मुद्दा यहाँ पे ये है कि मान लो अगर वॉल्यूम जीरो हो जाती है यानी पिस्टन और बॉटम चिपक जाते हैं तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिसपे वो नीचे आया होगा
एंड दैट टेम्परेचर बाय कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी -273.15. मैं दोनों टेम्परेचर्स को लिखूंगा, एक जगह है +273.15 डिग्री सेल्सियस जहां पे वॉल्यूम डबल हो जाती है, और एक टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड एज 273.15 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में है। आई होप यहां तक समझ। एक काम करते हैं, इस पूरी चीज को ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, लेट इट प्लॉट इट ग्राफिकली। तो एक काम करो, एक एक्स एक्सिस लो और इस एक्स एक्सिस पे आप टेम्परेचर को प्लॉट करोगे। सो दिस इज गोना बी योर टेम्परेचर स्केल, जो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, धीरे धीरे माइनस में आते आते -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और वाई स्केल पे, वाई एक्सिस पे मैं प्लॉट करने वाला हूँ वॉल्यूम को, दैट इज योर वॉल्यूम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, बताओ 0 डिग्री पे कुछ तो वॉल्यूम था। हाँ भाई, 0 डिग्री पे कुछ तो वॉल्यूम था मेरे कंटेनर के पास, और 0 डिग्री की वॉल्यूम को मैं इतना मान के चलता हूँ, दिस इज योर वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तुमने जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज होगा हर डिग्री राइज में, वो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दैट विल बी वी जीरो का 273rd पार्ट जो होगा, उतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ओके, ना धीरे 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 ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होते जाएगा। ना 273 डिग्री सेल्सियस आते ही जो था एग्जैक्टली उसका ये डबल हो जाएगा। और आई एम सॉरी, थोड़ा ग्राफ मेरे से रॉन्ग हो रहा है, मैं इसको रब करता हूँ और मैं इसको ऐसे प्लॉट करता हूँ, दिस विल बी द करेक्ट वे। यहाँ पर आते ही ये डबल हो जाएगा, तो जितना ये था एग्जैक्टली उसका डबल हो गया 273 पे, तो मैं इसको कह सकता हूँ 2 times V0। एग्री? एक काम करो, इसको कूल करो। जब तुम इसको कूल करोगे तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और -273 पे जाते ही उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0। सो दिस वॉल्यूम विल कम आउट टू बी 0। ओके सर, एक काम करते हैं और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मानो मेरे पास 2 अलग अलग कंटेनर है, आई हैव गॉट 2 different containers, ठीक है। एक कंटेनर में मैंने गैस ए को लिया है, दूसरे कंटेनर में मैंने गैस बी को लिया है, और दोनों को मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। सर, जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों गैसेस का वॉल्यूम इक्वल होगा। देयर मे बी सम डिफरेंस इन देयर वॉल्यूम इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है कि ये वाली गैस जो ए है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा हो और दूसरी वाली गैस 0 डिग्री सेल्सियस पे कम हो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। नाउ अगर ए का 273rd हिस्सा मैं समझूंगा तो ए का 273rd हिस्सा ऑब्वियसली ज्यादा होगा और बी का 273rd हिस्सा जो होगा वो ऑब्वियसली कम होगा। सर, इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, अगर आपके पास मैं 2 रॉड्स देता हूँ, ये एक रॉड है आपके पास और ये दूसरी रॉड है आपके पास। अब सर देखो, इसको भी 3 हिस्से में डिवाइड करो और इसको भी 3 equal parts में डिवाइड करो। ये इसका 1/3 पार्ट है, 1/3 है, और ये इसका 1/3 पार्ट है। सर, दोनों का 1/3 पार्ट ही है, पर 1/3 पार्ट कितना होगा उसमें डिफरेंस आ गया, क्योंकि ये बड़ा था बड़े का 1/3, ये छोटा था छोटे का 1/3। तो सिमिलर केस यहाँ पे होगा, वी जीरो पे पहले से वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका 273rd हिस्सा ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होगा, इसका वी जीरो पे पहले से वॉल्यूम कम है तो ऑब्वियसली उसका जो वी 273rd हिस्सा होगा वो भी कम होगा। तो मान लेते हैं मेरे पास एक गैस है, जैसे कि वो गैस है बी, और मैं मान लेता हूं उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली कम होगा, तो मैं बी वाली गैस को 0 डिग्री पे उसका वॉल्यूम इतना है, मैं उसको ऐसे प्लॉट करता हूं। अब अगर उसका वॉल्यूम इतना है तो 273rd पे उसके वॉल्यूम का डबल हो जाएगा, सो दिस हैज टू बी द पॉइंट। तो सर, यहां पर उसका वॉल्यूम डबल होगा, 273rd आते ही उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना वॉल्यूम था, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, 273rd आते ही उसका वॉल्यूम अब इतना हो गया जितना 0 डिग्री पे था, उसका डबल। अब उसको कूल करो। सर, जब इसको भी कूल करते हो तो ये गैस भी 273rd पे माइनस में आते आते इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी सर, समझ में ये आता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा गैस है, हर गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा जितना उसका 0 डिग्री पे था, अगर उस गैस को 273.15 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाया जाए, और अगर उसको कूल किया जाए तो उस गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा अगर उसको -273.15 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाया जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका वॉल्यूम 0 डिग्री पे कितना था। भाई जितना भी रहने दो, ज्यादा था कम था, पर -273 पे आते ही आपका वॉल्यूम 0 हो जाएगा।
तो सर इससे मुझे ये समझ में आता है कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे वॉल्यूम डबल हो जाता है, पर ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे वॉल्यूम जीरो हो जाता है। और सर इसी टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि यहां आते आते थियोरेटिकली सब चीज का वॉल्यूम जीरो हो जाना चाहिए, सारी गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो जाना चाहिए। और सर यहीं से हमारा केल्विन स्केल स्टार्ट होता है। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम जीरो केल्विन कहते हैं। अब जब -273 से जीरो की तरफ जाओगे नंबर स्केल पे, तो आप एक्चुअली कितना डिजिट चल के जा रहे हो, सो दिस विल बिकम 273.15 केल्विन। और जब आप वहां से वहां जाओगे, सो दिस विल बिकम 2 × 273.15 केल्विन। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां से एक्चुअली ये समझा होगा कि केल्विन स्केल आया कहां से। एक्चुअली केल्विन स्केल आता है चार्ल्स लॉ की मदद से, और चार्ल्स लॉ आपको क्या कहता है, ये फॉर्मूला आपको क्या कहता है, ये आपको समझ में आया। नाउ इससे हम एक लास्ट फॉर्मूला डिराइव करना चाहेंगे कि अगर आपको किसी चीज को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, किसी भी डिग्री सेल्सियस को, तो आप कैसे करोगे। तो देखो सर, जीरो डिग्री सेल्सियस का मतलब हो जाएगा 273.15 केल्विन। ओके, सो जीरो डिग्री सेल्सियस करेस्पॉन्ड्स टू 273.15 केल्विन। तो सर 1 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 274.15 केल्विन। तो सर 2 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 275.15 केल्विन। अरे तो सर समझा, तो कोई भी डिग्री सेल्सियस में अगर आपके पास है, आपके पास टी डिग्री सेल्सियस है, तो आप उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे। सो वो केल्विन में हो जाएगा 273.15 प्लस आपने कितना डिग्री इंक्रीमेंट किया, दैट्स टी डिग्री सेल्सियस, उसको ऐड कर लो, व्हाट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर विल बी इन केल्विन। तो सर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाइनली, अगर आपको किसी चीज को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन विल बी इक्वल टू 273.15 प्लस आप उसके अंदर कितना डिग्री सेल्सियस में ऐड कर रहे हो, तो दिस विल बी टी डिग्री सेल्सियस, मैं कैपिटल टी से लिखता हूं, बहुत यहां पे मैंने स्मॉल कर दिया, लेट मी राइट इट विद कैपिटल। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। ओके, सो ये फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत बार देखा, हम लोग बहुत बार, हमारे टीचर्स हमको ये फॉर्मूला दे दिया होता कि भाई आपको अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसका कन्वर्जन फैक्टर है 273.15 से ऐड कर दो। बट हमने बहुत बार, हम जब 11th में थे, तो हमने बहुत बार ये सच सोचा होगा कि भाई क्यों करना क्यों है। तो एक्चुअली उसका आंसर यही है कि कहीं ना कहीं ये चार्ल्स लॉ से डिराइव होता है। एंड ये स्केल, आई एम सॉरी, थोड़ा ग्राफ में मिस्टेक होगा, इट्स अ फ्री हैंड ड्राइंग, बट ये स्केल, ये ग्राफ मुझे बहुत कुछ बताता है, और शायद इसीलिए चार्ल्स लॉ इतना भी छोटा नहीं है जितना हम उसको समझते हैं। मुझे उम्मीद है चार्ल्स लॉ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।